हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। एक्चुअली ये कंपैरिजन वीडियो है। रिसेंटली मैंने गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट परचेज किए। पर्पल से मैंने काफ़ी सारा स्किन केयर परचेज किया, तो उसमें से ही कुछ प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूँगी। ये दोनों प्रोडक्ट हैं जो मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। ये दोनों बेसिकली फेस मास्क हैं जो गुड वाइब्स ब्रांड से हैं। एक है रसबेरी पेपरमिंट एंड सेकेंड है ग्रीन टी। दोनों पैराबिन, सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री है। प्रोडक्ट का कॉस्ट है 225, सेल्फ लाइफ है 2 ईयर एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 50 ग्राम्स। पैकेजिंग बिल्कुल सिमिलर है, मैं एक ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का गोल्डन लिड मिल जाता है। बहुत प्यारी सी पैकेजिंग है और आपका प्रोडक्ट स्पिल होने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता है। इस प्रोडक्ट के जार के ऊपर भी एक लिड होता है जो मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने यूज़ किया, आप देख सकते हैं। फ्रेग्रेंस बहुत ही कमाल की है, बहुत रिफ्रेशिंग है, जैसा कि नेम में मेंशन है इसके साथ। अमेजिंग। सेकंड है ये ग्रीन टी। ग्रीन टी मैं इसलिए भी प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे डार्क सर्कल का भी, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अंडर आई सर्कल का प्रॉब्लम रहता है और ये ऑलवेज रहता है बिकॉज थोड़ा सा लेट नाइट जगने की मेरी आदत है और स्लीपिंग पैटर्न मेरा मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम रहता है मुझे। तो मैं रेगुलर ग्रीन टी का मिस्ट वगैरह भी यूज़ करती हूँ, मास्क यूज़ करती हूँ, तो इससे थोड़ा सा मेंटेन रहता है। तो सेकंड ये है, इस तरीके की लिड मिल जाती है आपको। ये भी मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। आज मैं दोनों को एक साथ अप्लाई करूंगी और आप देख के बताइएगा क्या फ़र्क लगा। वैसे प्रोडक्ट दोनों ही अच्छे हैं, बट एक साथ एप्लीकेशन से कंपैरिजन वीडियो हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हेयर को टाई कर लूंगी। अभी मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं, आप देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया, मैं बात लेके आ चुकी हूँ। लिप बाम लगाया है मैबलिन का मैंने। सबसे पहले मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, रसबेरी एंड पेपरमिंट। एक साइड मैं इसको अप्लाई करूँगी, सेकंड साइड मैं ग्रीन टी अप्लाई करूँगी। इसको आप ब्रश या फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। मुझे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लगता, इसलिए मैं, और ये मिक्स होता है तो आपको इसमें कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। वन साइड मैंने अप्लाई कर लिया, सेकंड साइड में ग्रीन टी अप्लाई करने वाली हूँ, ग्रीन टी फेस मास्क। मास्क को मैंने दोनों साइड अप्लाई कर लिया है। ड्राई आउट होने के बाद मैं इसको रिमूव कर लूँगी ठंडे पानी की हेल्प से। इसको अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट लगेगा सूखने में, बट आप आफ्टर 15 मिनट आप इसको रिमूव कर सकते हैं। वेदर के अकॉर्डिंग टाइम लगता है। तो अभी फाइनली दोनों साइड मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो इधर बहुत कूलिंग इफेक्ट दे रहा, बहुत ही चिल कर रहा है, ऐसा लग रहा है आइस क्यूब स्क्रब किया है। इधर से बस हल्की सी ग्रीन टी वाली फ्रेग्रेंस आ रही, और कुछ नहीं पता चल रहा है। इसको 15 to 20 मिनट रखेंगे, ड्राई आउट होने के बाद रिमूव कर देंगे। रिमूव करके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट है। तो अभी फेस मास्क ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, अब इसको रिमूव कर लूँगी ठंडे पानी की हेल्प से। मिलती हूँ आपसे रिमूव करने के बाद। प्लीज़ अवॉइड माई नेल्स बिकॉज अभी मैंने ये जस्ट परचेज़ किया, न्यू ब्रांड था, लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था, बट अच्छा नहीं निकला इतना। 2 दिन में ही इसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो अभी मैंने अप्लाई नहीं किया दोबारा से। आप देख सकते हैं फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो मिल जाता है।
और अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो ऐसा कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोडक्ट उसमें यूज़ हुए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट दोनों ने ही अच्छा वर्क किया है। अगर बात करूँ रसबेरी एंड पेपरमेंट वाले मास्क की, तो वो इस साइड अप्लाई किया था जो रेड कलर में था, वो काफ़ी कूलिंग इफेक्ट दे रहा, तो अभी भी इस साइड लग रहा है कि मैंने फेस मास्क नहीं, मैंने आइस क्यूब अप्लाई किया, वो बहुत ही चिलिंग लग रहा है, इधर बहुत ही ठंडा फील हो रहा है, और इस साइड नॉर्मल है। बट जो भी मास्क में इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, बट अगर आप सिंगल एप्लीकेशन में, इतना डिज़ास्टर चेंज नहीं होगा। आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मुझे डार्क सर्कल है तो मैं डार्क सर्कल के लिए ग्रीन टी वाला भी यूज़ करती हूँ, और गर्मियाँ हैं, बहुत भयंकर वाली गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो इसलिए जिसमें पेपरमेंट का एसेंस हो और कूलिंग इफेक्ट दे आपके फेस को, फेस मास्क जब भी मैं अप्लाई करती हूँ, मैं परचेज़ करने से पहले ट्राई करती हूँ पेपरमेंट या कुछ ऐसा हो लगाने के बाद थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हो, तो इसलिए मैंने वो भी परचेज़ किया। इफ़ेक्ट की बात करें तो सिमिलर लग रहा, दोनों ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, प्लस कॉस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, दोनों ट्राई कर सकते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट यूज़ करते करते भी इंसान बोर हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत सारे वेरियंट यूज़ करती हूँ। स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। जब भी मैं फेस मास्क अप्लाई करती हूँ स्किन बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, बहुत ही नेचुरल सा ग्लो दिखता है स्किन पे, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट होता है। अगर आप पहले जो बेसिक फेस मास्क आते थे जो पाउडर फॉर्म में होते थे, अगर उनको अप्लाई करने के बाद, जब भी रिमूव करने के बाद और भी ड्राई आउट हो जाता आपका फेस, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी ने सुखा दिया हो आपके फेस को, बट अभी ये फेस मास्क जो गुड वाइब्स के हैं इनको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं लग रहा है। मेरी स्किन डेजर्ट ड्राई है, बहुत ही ड्राई कह सकते हैं, और अभी तो नॉर्मल है क्योंकि गर्मियां पड़ रही, सर्दियों में डेजर्ट ड्राई हो जाती, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मुझे प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। और जब भी मैं कुछ प्रोडक्ट परचेज करती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि उसमें मॉइस्चर को मेनटेन रखने की पार हो एटलीस्ट, और प्लस बेसिक इंग्रेडिएंट भी मॉइस्चर के लिए होने चाहिए उसमें, जैसे कि कोकोनट हो गया, आपका हनी हो गया, ये सारी चीज़ें आपके मॉइस्चर को मेंटेन करती हैं, लॉक करके रखती हैं, और इतना कुछ करने के बाद तब स्किन थोड़ा सा लेवल में रहता है, अदरवाइज़ अगर मैं केयर ना करूँ तो स्किन बहुत ही रफ, बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाती है, सन टैन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी ऑफिस वगैरह नहीं जाना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो स्किन केयर पे भी थोड़ा फोकस करने का टाइम मिल जा रहा है। सबसे ज़्यादा ये लगता है कि अभी टाइम नहीं है, तो नाइट में आने के बाद जब भी आप ऑफिस से आते हैं घर के काम दिखते हैं तो वो इम्पोर्टेंट लगते हैं, और मॉर्निंग में ऑफिस के लिए लंच ब्रेकफास्ट ये सारा रेडी करना होता तो उसमें भी वो उस काम की प्रायोरिटी हो जाती है, और ख़ुद की स्किन की प्रायोरिटी पीछे चली जाती है, इसकी प्रायोरिटी अपनी प्रायोरिटी नहीं रह जाती फैमिली के आगे। तो अभी तो सबको मैनेज करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जा रहा है, हस्बैंड के जाने के बाद मैं अपना ऑफिस का काम भी करती हूँ, प्लस थोड़ा फ्री होके स्किन केयर वगैरह भी प्रॉपरली कर ले रही हूँ। तो ये था मेरा गुड वाइब्स फेस मास्क का रिव्यू। रिव्यू पसंद आया हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।